हाय एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने नेगेटिव बायोनोमल डिस्ट्रीब्यूशंस यूनिट नंबर फोर स्टार्ट किया था एंड देन उसके कुछ सम सॉल्व किए थे राइट देन हम आज फिर से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन कि क्वेश्चन नंबर इलेवन द प्रोबेबिलिटी दैट A person can hit a target is 0 0.8. He gets a prize when? He gets a prize when he hits the target four times. Find the probability that he will require more than seven trials to get the prize. Okay? सो so, हमें यहाँ पे बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज जीरो पॉइंट एट सो फिर हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी की पर्सन टारगेट हिट करता है उसके प्रॉबेबिलिटी है जीरो पॉइंट एट दे गेट्स अ प्राइज वेन ही कैन हीट द टारगेट फोर्थ टाइम ओके की फोर फोर्थ टाइम टारगेट हिट करता है तब उसे प्राइज मिलता है सो so, ये जो फोर्थ टाइम है वो हमारा एन हो जाएगा देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ही विल रिक्वायर मोर देन सेवन ट्रायल्स टू गेट द प्राइज राइट सो हमारे एग्जाम्पल में ये थोड़ा चेंज हुआ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ही विल रिक्वायर मोर देन सेवन ट्रायल्स राइट मोर देन सेवन ट्रायल्स टू गेट द प्राइज मोर देन सेवन मीन्स क्या आएगा मोर देन सेवन मीन्स हमें सेवन से ज्यादा सेवन से ज्यादा ट्रायल देनी पड़ेगी कि तब उसे प्राइज मिलेगा वो सेवन से ज्यादा ट्रायल देगा तब उसे प्राइज मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी ओके सो ये हमें मोर देन सेवन ये टोटल वैल्यू दी हुई है एन प्लस एक्स इज मोर देन सेवन ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन प्रोबेबिलिटी कि पर्सन हिट अ टार्गेट इज जीरो पॉइंट एट सो पी इज जीरो पॉइंट एट एन क्यू इज वन माइनस जीरो पॉइंट एट मीन्स जीरो पॉइंट टू देन नेक्स्ट ही गेट्स अ प्राइज वेन ही हिट्स द टारगेट फोर्थ टाइम राइट सो फोर्थ टाइम वो जब टारगेट हिट करेगा तो उसे प्राइज मिलेगी मीन्स वो हमारा एन हो जाएगा एन इज इक्वल टू फोर ओके धेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर मोर देन सेवन ट्रायल्स टू गेट द प्राइज मोर देन सेवन ट्रायल्स टू गेट द प्राइस मतलब टोटल ट्रायल्स उसे कितनी देनी होगी मोर देन सेवन सो टोटल ट्रायल्स मीन्स नाइन प्लस एक्स मोर देन सेवन ओके नाइन प्लस एक्स मोर देन सेवन अब ये जो नाइन प्लस एक्स मोर देन सेवन है सो so, उसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि मोर देन सेवन है सो so, एट या एट से ज्यादा होगी एट या एट से मोर देन होगी सो हम इसे लिखेंगे कि एन प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू एट राइट मोर देन सेवन था तो उसे हमने किसमें लिख दिया कि मोर देन इक्वल टू एट में नाउ यहां से हम एक्स की वैल्यू लेंगे कि एन इज इक्वल टू फोर पुट करेंगे सो फोर प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू एट सो एक्स मोर देन इक्वल टू एट इस साइड जाएगा राइट साइड टू एट माइनस फोर फोर राइट सो नाउ एक्स मोर देन इक्वल टू फोर सो हमें अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स मोर देन इक्वल टू फोर के लिए ओके एक्स मोर देन इक्वल टू फोर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सो so, फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्लस एक्स सी एन माइनस वन इंटू पी रेस टू एन इंटू क्यू रेस टू एक्स राइट सो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है फोर तो इक्वल टू फोर प्लस एक्स माइनस वन सी एन माइनस वन एन इज फोर सो फोर माइनस वन पी रेस टू एन पी इज जीरो पॉइंट एट सो जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर एन जीरो पॉइंट टू रेस टू x क्योंकि x की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है सो फोर प्लस एक्स माइनस वन सो फोर माइनस वन थ्री सो थ्री प्लस एक्स सी फोर माइनस थ्री थ्री इंटू जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर एंड जीरो पॉइंट टू रेस टू एक्स नाउ अब हम इसको यूज करके फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू फोर राइट सुधेर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू फोर इक्वल टू मोर देन इक्वल टू फोर मीन्स हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स प्लस दस 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 राइट सो ये सारी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड नहीं कर सकते सो so, हम क्या करेंगे कि हम सबको पता है कि सिग्मा पी एक्सा मीन्स प्रोबेबिलिटी का टोटल इज ऑलवेज वन सो वन माइनस उस प्रोबेबिलिटी के टोटल में से P4 से जो वैल्यू स्टार्ट होती है उसके अलावा की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर देंगे राइट right? सो so, P4 फोर की आगे की कौन सी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी P0, P1, P2 वन एंड पी थ्री राइट सो ये जो चार वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल हम वन में से माइनस करेंगे सो so, हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी एक्स मोर देन इक्वल टू फोर के लिए ओके सो यहां पे पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री ओके सो नाउ इज इक्वल टू वन माइनस पी जीरो मीन्स यहाँ पे जो भी फॉर्मूला मिला उसमें एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे सो थ्री प्लस एक्स है थ्री प्लस जीरो सी थ्री इंटू जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर सो जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर इंटू जीरो पॉइंट टू रेस टू एक्स सो जीरो पॉइंट टू रेस टू एक्स हमें जीरो लेना है देन प्लस साइन सो प्लस नाउ पी वन मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन सो थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन सी थ्री जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर इंटू जीरो पॉइंट टू रेस टू एक्स सो जीरो पॉइंट टू रेस टू वन देन प्लस टी ऑफ टू मींस एक्स इज इक्वल टू टू लेंगे सो थ्री प्लस टू सी थ्री इंटू जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर एंड जीरो पॉइंट टू रेस टू एक्स सो जीरो पॉइंट टू रेस टू टू क्योंकि एक्स इज इक्वल टू टू लिया देन प्लस थ्री प्लस एक्स इज थ्री नाउ एक्स इज इक्वल टू थ्री लेंगे सो थ्री प्लस थ्री सी थ्री इंटू जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर इंटू जीरो पॉइंट टू रेस टू एक्स सो so, यहां पे x इज इक्वल टू तो थ्री लेना है सो जीरो पॉइंट टू रेस टू थ्री ओके सो ये वैल्यू हमें मिल गई ना इसे सॉल्व करेंगे सो इक्वल टू वन माइनस इन ब्रैकेट थ्री प्लस जीरो थ्री सी थ्री इन टू जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर जीरो पॉइंट टू रेस टू वन मीन्स वन जीरो पॉइंट टू रेस टू जीरो मीन्स वो वन हो जाएगा देन प्लस

थ्री जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर एंड जीरो पॉइंट टू रेस टू थ्री ओके नाइनस थ्री सी थ्री इज वन इंटू जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर मीन्स जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट एट वो वैल्यू हमें मिलेगी जीरो पॉइंट फोर जीरो नाइन सिक्स जीरो पॉइंट फोर जीरो प्लस फोर सी थ्री मीन्स फोर देन जीरो पॉइंट एट फोर वो वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिली हुई है क्या है वो वैल्यू मिली हमें जीरो पॉइंट फोर जीरो सिक्स इंटू जीरो पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट टू देन प्लस फाइव सी थ्री फाइव सी थ्री मीन्स फाइव इंटू फोर इंटू थ्री डिवाइडेड में थ्री इंटू टू इंटू सिक्स सो so, यहां पे हमें वैल्यू मिलेगी फाइव सी थ्री की टेन इंटू जीरो पॉइंट एट टू फोर जो हमें ऑलरेडी मिला है जीरो पॉइंट फोरटी नाइनटी सिक्स इंटू जीरो पॉइंट टू 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 सो जीरो पॉइंट जीरो फोर देन प्लस सिक्स सी थ्री है सो सिक्स सी थ्री मीन्स वो हो जाएगा ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट एट रेस टू फोर मीन्स जीरो पॉइंट फोर्टी नाइन्टी सिक्स एंड जीरो पॉइंट टू रेस टू थ्री मीन्स वो हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट राइट सो यहां पर इक्वल टू वन माइनस इक्वल टू वन माइनस वन इंटू जीरो पॉइंट फोर फोर्टी नाइन्टी सिक्स सो वो लिख देंगे देन प्लस फोर इंटू जीरो पॉइंट नाइंटी सिक्स इंटू जीरो पॉइंट टू मीन्स जीरो पॉइंट थ्री टू सेवन सिक्स एट देन प्लस टेन इंटू जीरो पॉइंट फोर जीरो नाइन सिक्स इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी जीरो पॉइंट वन सिक्स थ्री एट फोर देन प्लस ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट फोर्टी नाइन्टी सिक्स इन 0.008, जीरो so, पॉइंट डबल जीरो एट सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डबल फाइव ओके सो वन माइनस इन चारों का टोटल लेंगे कि जीरो पॉइंट फोर्टी नाइनटी सिक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री टू सेवन सिक्स एट प्लस जीरो पॉइंट वन सिक्स थ्री एटी फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डबल फाइव फोर टोटल so, वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वन माइनस जीरो पॉइंट नाइंटी सिक्स ट्रिपल सिक्स सो वन में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे सो so, प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी जीरो पॉइंट जीरो ट्रिपल थ्री फोर सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू फोर सो हमें प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी थी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट

In an objective test there are three alternative answer of each questions and one of them is correct. A student does not know correct answer of any of the questions and hence he write the answer by guess. Find the probability that he will be required to answer more than seven questions to get third correct answer आंसर ओके सो ये क्वेश्चन भी है वो हमें जो हमने आगे सॉल्व किया उसी तरह करना है ओके okay? सो so, हमें वो करेक्ट आंसर देता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ओके सो इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट देर आर थ्री अल्टरनेटिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन एंड वन ऑफ डेम इज करेक्ट राइट की तीन हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन है अल्टरनेटिव और उसमें से एक आंसर करेक्ट है सो so, हमारी पी क्या हो जाएगी पी इज इक्वल टू वन थर्ड राइट पी इज इक्वल टू वन थर्ड सो क्यू इज ऑल्सो टू बाई थ्री राइट देन दिया हुआ है कि अ स्टूडेंट डज नॉट नो करेक्ट आंसर ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन एंड हैंज ही राइट दैश उसे कोई भी आंसर पता नहीं है वो आंसर गैस करके लिखता है प्रोबेबिलिटी दैट हीस टू गेट थर्ड करेक्ट आंसर ओके की मोर देन सेवन क्वेश्चन टू गेट थर्ड करेक्ट आंसर सो थर्ड करेक्ट आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा एंड

सो so, हम क्या लिखेंगे एन प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू एट राइट नाउ एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे सो थ्री प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू एट सो देर फोर एक्स मोर देन इक्वल टू फाइव राइट सो नाउ अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है प्रॉफ फाइंड करनी है एक्स मोर देन इक्वल टू फाइव लिए ओके okay? एक्स मोर देन इक्वल टू फाइव के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सो नाउ फर्स्ट फॉर्मूला जो भी है वो यूज करेंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्लस एक्स माइनस वन सी एन माइनस वन पी रेस टू एन क्यू रेस टू एक्स ओके सो एन प्लस एक्स माइनस वन एन इज थ्री सो थ्री प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू टू प्लस एक्स राइट सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टू प्लस एक्स सी एन माइनस वन एन इज थ्री थ्री माइनस वन टू इन टू पी रेज टू एन पी इज वन थर्ड वन थर्ड रेज टू एन मीन्स थ्री एन टू अपन थ्री रेस टू एक्स राइट right? सो so, ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू फाइव सो ना मोर देन इक्वल टू फाइव के लिए फाइंड करनी है सो पी फाइव प्लस पी सिक्स प्लस पी सेवन प्लस दस 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 राइट ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है सो so, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसा ही करेंगे कि वन में से जो भी बाकी की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करेंगे सो इक्वल टू वन माइनस फाइव के आगे की प्रोबेबिलिटी पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर ओके सो ये सारे की सारी प्रोबेबिलिटी वन में से माइनस करेंगे सो इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ जीरो सो एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे सो टू प्लस जीरो सी टू इंटू वन अपन थ्री रेस टू थ्री इंटू टू अपन थ्री रेस टू एक्स मीन्स जीरो प्लस यहाँ पे वन पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू सो टू प्लस वन सी टू प्लस वन यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख दे टू प्लस वन सी टू इंटू वन अपन थ्री रेस टू थ्री एंड टू अपन थ्री एक्स इज इक्वल टू वन लेंगे सो टू अपन थ्री रेस टू वन देन प्लस नाउ एक्स इज इक्वल टू टू लेंगे सो टू प्लस टू टू प्लस टू सी टू इंटू वन अपन थ्री रेज टू थ्री टू अपन थ्री रेस टू एक्स इज इक्वल टू टू लिया सो टू देन प्लस नाउ टू एक्स इज इक्वल टू थ्री लेंगे सो टू प्लस थ्री सी टू इंटू वन अपन थ्री रेस टू थ्री इंटू टू अपन थ्री रेस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री लिए ना एक्स इज इक्वल टू फोर सो टू प्लस फोर सी टू इंटू वन थर्ड रेस टू थ्री एंड टू अपन थ्री रेस टू एक्स है सो नाउ एक्स इज इक्वल टू फोर लिया सो रेस टू फोर ओके सो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू वन माइनस टू प्लस जीरो सी टू मीन्स टू सी टू इन टू वन थर्ड वन अपन थ्री रेस टू थ्री राइट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन सो वन अपन ट्वेंटी सेवन इंटू वन ओके देन प्लस यहां पे टू प्लस वन थ्री सी टू इंटू वन अपन थ्री रेज टू थ्री सो वन अपन ट्वेंटी सेवन इंटू टू अपन थ्री रेस टू वन सो टू अपन थ्री देन प्लस टू प्लस टू फोर सो फोर सी टू इंटू वन अपन थ्री रेस टू थ्री सो वन अपन ट्वेंटी सेवन इंटू टू अपन थ्री रेस टू स्क्वेर सो टू टू जो फोर एंड थ्री थ्री जो नाइन देन प्लस टू प्लस थ्री फाइव सो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फाइव सी टू इंटू वन अपन ट्वेंटी सेवन इंटू टू रेस टू थ्री मीन्स एट एंड थ्री रेस टू थ्री 9 is are 27. Then 6 6c2 into 1 upon 27 into 2 raised to 4. So, 16 and 3 raised to 4 means eighty. Okay. Now, we will solve this. So, 1 minus. So, equal to 1 minus in bracket. Two C two means one and one upon twenty seven. Okay? One into one upon twenty seven, then plus three C two means three. Three into three into one upon twenty seven into two upon three, then plus four C two means four C two means four two and three two the six

सिक्स सी टू मीन्स फिफ्टीन राइट फिफ्टीन इंटू वन अपन ट्वेंटी सेवन इंटू सिक्सटीन अपन एटी वन ओके सो फिफ्टीन इंटू वन अपन ट्वेंटी सेवन इंटू सिक्सटीन अपन एटी वन ओके सो यहाँ पे नाउ वन माइनस वन अपन वन को डिवाइड करेंगे ट्वेंटी सेवन से वन अपन ट्वेंटी सेवन So, यहां पे वैल्यू मिलेगी जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन जीरो प्लस थ्री थ्री इज कैंसल टू अपन ट्वेंटी सेवन मीन्स जीरो पॉइंट जीरो सेवन फोर वन सेवन फोर जीरो सेवन ओके या फिर आप वन भी लिख सकते हो देन प्लस सिक्स इंटू फोर डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन एंड डिवाइड बाय नाइन

जीरो पॉइंट टेन नाइन्टी सेवन नाउ टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवेंटी जीरो पॉइंट जीरो सेवन फोर जीरो सेवन प्लस जीरो पॉइंट जीरो नाइन डबल एट प्लस जीरो पॉइंट टेन नाइन्टी सेवन जीरो पॉइंट टेन नाइन्टी सेवन ओके सो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी जीरो पॉइंट फोर्टी टू नाइन टू सेवन सो वन में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे कि वन माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू नाइन टू सेवन सो इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव सेवन जीरो सेवन सी राइट सो ये प्रोबेबिलिटी हमें मिली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू फाइव के लिए ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर well a person draws cards one after the other with replacement find the probability that he will get third speed at the seventh row also find mean and variance of number of failures before getting third speed okay so first we make a diary here a person draws card वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट राइट देन बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हीट द सेवन रो ओके सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ही विल गेट थर्ड स्पेड एट द सेवन स्ट्रो ओके सो ये जो थर्ड स्पेड दिया हुआ है वो हमारा एन हो जाएगा एन एट द सेवन रो मीन्स टोटल जो ड्रो है सेवन वो हमारा एन प्लस एक्स हो जाएगा गेन हमें प्रोबेबिलिटी फाइन करनी है फर्स्ट हमें पी की वैल्यू चाहिए कि अ पर्सन ड्रोस कार्ड वन द अदर विच रिप्लेसमेंट ओके देन फाइन करनी है प्रोबेबिलिटी ओके सो टोटल कार्ड कितने होते हैं टोटल कार्ड होते हैं फिफ्टी टू है ना टोटल कार्ड होते है फिफ्टी टू एंड फिफ्टी टू में से हमें स्पेड का कार्ड चाहिए तो स्पेड का कार्ड कितना होता है थर्टीन कार्ड होते हैं स्पेड के सो so, यहाँ पे पी क्या हो जाएगी हमारी? थर्टीन ओपन फिफ्टी टू मीन्स वन ओपन फोर राइट थर्टीन ओपन फिफ्टी टू मीन्स वन ओपन फोर वो हमारी पी हो जाएगी सो वन ओपन फोर मीन्स जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव एन क्यू इज वन माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव मीन्स जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव ओके एंड टोटल एन हमारा हो जाएगा थर्ड स्पेड मीन्स एन इज इक्वल टू थ्री थर्ड स्पेड एट द सेवन रो मींस एन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवन एन एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर ओके देन फॉर्मूला यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्लस एक्स माइनस वन सी एन माइनस One p raised to n q raised to x equal to n plus x minus one n plus x is seven so seven minus one six so six c n minus one n is three so three minus one two into p raised to n p is zero point twenty five so zero point twenty five raised to n means three into q raised to x.

इंटू जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव रेस टू फोर सो वो वैल्यू हमें मिलेगी जीरो पॉइंट थ्री वन सिक्स फोर जीरो थ्री वन सिक्स फोर मल्टीप्लाई फिफ्टीन जीरो पॉइंट जीरो फिफ्टीन सिक्स टू फाइव इंटू जीरो पॉइंट थर्टी वन सिक्स फोर राइट सो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी जीरो पॉइंट जीरो सेवन फोर टू so this is the probability of x means ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला था कि ही विल गेट थर्ड स्पेड थर्ड स्पेड एट द सेवन ड्रो देन ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ फेलर्स बिफोर गेटिंग थर्ड स्पेड राइट सो वो फाइंड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ फर्स्ट मीन फाइन करना है सो मीन इक्वल टू मीन की फॉर्मूला क्या है कि एन क्यू रेस टू पी सो एन हमारे पास यहां है थ्री सो थ्री इंटू क्यू एन क्यू इज जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव अपन पी इज जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव सो so, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव से एंड डिवाइड बाय जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव सो नाइन इज द वैल्यू ऑफ मेन राइट देन सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है वेरियंस दोनों हमें नंबर ऑफ फेलर्स के लिए ही फाइंड करनी है राइट सो वेरियंस की फॉर्मूला एन क्यू रेस टू पी स्क्वेर सो एन इज थ्री मल्टीप्लाई so, करेंगे जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव से सो टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव अपन जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव स्क्वेर मींस वो हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव सो टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव सो वेरियंस इज थर्टी सिक्स राइट So, इस तरह हमें मीन एंड वेरियंस की फॉर्मूला फाइंड करनी हो नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम फाइंड कर सकते हैं ये मीन एंड वेरियंस किसके लिए फाइंड करनी थी कि नंबर ऑफ फेलर्स बिफोर द नंबर ऑफ फेलर्स बिफोर गेटिंग थर्ड स्पीड ओके सो यहाँ पे हम लिख सकते थे कि द नंबर ऑफ फेलर्स द नंबर ऑफ फेलर बिफोर थर्ड स्पे ओके यह आप लोग लिखोगे तब भी चलेगा नहीं लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने मीन एंड वेरियंट तो लिखा हुआ है ओके सो इस तरह हमें मीन एंड वेरियंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है